वाह जीजा जी, आज तो एकदम आपका अलग ही रूप देखने वाला पापा के सामने। माचो मैन मेरे। क्या माचो मैन इलायची जी, हमारे शरीर की सारी हड्डियां ना अभी तक कांप रही हैं। और इलायची जी, इतनी आसानी से झुकने वालों में से नहीं है आपका बाप। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके पापा वो ना हमारी ये शादी तोड़वाने के चक्कर में ना हमारी हड्डियां पसलियां तोड़वा देंगे, हमें ऐसा लग रहा है। क्यों टेंशन लेते हो, कभी तो एंजॉय करो लाइफ में। कौन आप मेरे? मेरे पति देव, यानी कि मेरे सुहाग। तो इलायची जी, हमें लगता है कि ना सेठ जी, पागल कुत्ते ने काटा क्या तुझे? क्या हुआ बे? अबे यार, अपने हुस्न की तलवार चला रहा हूँ, मेनका बन के तुझे रिझा रहा हूँ, कब तक बचोगे मेरी जान? पिंटू जी, कौन सा दोस्ताना है यार? इलायची जी, मैं तो बस सेठ जी के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। मतलब सेठ जी मिले बाजार में और उन्हें हमको 2500 रुपए दिए आप लोगों की शादी तोड़वाने को। उनका कहना है कि मैं इसे अपने हुस्न के जाल में फंसाऊं और अपनी तरफ खींच लूं। ओफ, ये पापा बेना यार। देखा इलायची जी, हमने आपसे कहा था ना, सेठ जी हमें कभी स्वीकार नहीं करने वाले यार, वो कभी नहीं हार मानेंगे। ओहो जीजा जी, अब तुम्हारी शादी हो गई है, आज नहीं तो कल पापा को अपनाना ही होगा। नहीं नहीं इलायची जी, देखो भैया, हमें 2500 रुपए नहीं चाहिए, हमें ना अपना पति वापस चाहिए। अरे हम रात में सोएंगे तो किसके लाते मारेंगे, किससे झगड़ा करेंगे, आप समझती नहीं हो। मैं तुलसी तेरे आंगन की। यार ओ, लाइफ में टंटे हो रखे आप दोनों की। सेठ जी बहुत बड़े वाले भाई। सेठ जी, अरे ले ले, मैसेज पर जाओ, क्या हुआ, काम हो गया? अरे सेठ जी, आपकी बेटी के आगे ना हमारे हुस्न का जादू, हुस्न का झाड़ू हो गया, मतलब सब अदाएं ठा ठा, फिर उब्बू निकल गए हमारे हाथ से, आपकी बेटी के गोद में जा बैठे। सब जतन कर लिए भैया, अब कुछ ना हो सकता। अरे कैसी औरत है आप, अपने पति को काबू में ना कर पा रही है। लाइए मेरे पैसे वापस करिए। चलिए, पैसे पैसे वही जो मैंने दिए थे पैसे। अरे उनकी तो मैंने गन्ने खरीद लिए। देखो सेठ जी, क्या ना कि हम बहस ना कर सकते, इस समय हमारा सिर बहुत भारी भारी हो रखा है, कुछ समझ ना आ रहा भैया। हम ना थोड़ा गन्ने का जूस पी के आते हैं, थोड़ा मन हल्का होगा तो अच्छा लगेगा। अरे सुनीता जी, आ जाओ जरा गोलचा सिनेमा चलते हैं। इलायची संजू। अरे अभी देख रहे थे, अभी बात हो जाएगी। एक मिनट रुको, एक बार बात कर लेते हैं। सेठ जी, अपना मतलब वो जो पिंकी जी रिश्ता लेके आए थे उसके बारे में आपने क्या सोचा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा साहब, इसमें क्या सोचना, गूलर सेठ जी मेरे लाल लड़के को हाँ बोलेंगे गूलर खा के। सेठ जी, अरे दरोगा जी कसोटे। हाँ जी, अब कुछ ना हो सकता, कोई रिश्ता इश्ता ना हो सकता। मैंने अपनी बेटी इलायची की शादी उस खनखन के साथ कर दी। बात दरअसल ये थी कि तुम अपनी पुत्री इलायची का विवाह किसी गरीब से फटीचा से करा दो। अब आपकी खोज खत्म। जीजा जी वो गरीब और कुंवारे लड़के हैं जिसकी आपको तलाश थी। देख, तू गरीब भी और भरोसे वाला भी है। हाँ। तो पहले तो उससे शादी करा दूंगा, फिर तो उससे तलाक दिलवा दूंगा, उसके बाद इलायची की शादी किसी अच्छे लड़के से करा दूंगा। सेठ जी देखिए, हमें कोई एतराज नहीं। और फिर तय ये हुआ था। हाँ जी। कि वो 2 दिन बाद जो है मेरी बेटी इलायची को तलाक दे देगा। अच्छा, मतलब आपका वो जो बर्तन है ना, क्या नाम है उसका, पंचम जो है, उसने इलायची को तलाक दे दिया? अरे दरोगा जी ना, वो एक मेंढक की तरह पलटी मार गया। तलाक देने से मना कर रहा है वो। अच्छा, मतलब उस
पंचम की इतनी हिम्मत, सेठ जी उस पंचम के बच्चे को ना पिंकी जी की ताकत का अंदाजा ना हो रखा। गुब्बारा। साहब जी मैं तो ये कह रहे थे कि मतलब पंचम के ना गुब्बारे बांध के उड़ा देते हैं हवा में। मंगीलाल तू मुंह बंद रखा कर, जिप लगा ले तू, बेवकूफ की बातें बीच में मत डाला कर, पीछे हो। हाँ क्या बोल रहे थे? दरोगा जी। हाँ जी। मुझे ना पता था कि उसकी भोली सूरत के पीछे एक छलावा है। हाँ। अब देखो अब मेरी बेटी एक नौकर की बीवी बन के रहेगी। सेठ जी पंचम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है, बट वी आर नो फूल, वी हैव द टूल, सो बी कूल एंड सिट ऑन द स्टूल। हैं अंग्रेजी? अच्छा छोटे अब कुछ ना हो पाएगा। अरे यार तुम चिंता मत करो सेठ जी, अब पंचम की गर्मी निकालने का टाइम आ गया, तुम बस देखते जाओ। अपना खजोटे तू ना टेंशन मत ले, मतलब इस काम में तू अकेला ना हो रखा, पिंकी जी तेरे साथ है। सच्ची? हाँ बचपन से कनाडा में रह रहा हूँ। तो सेठ जी भी ना एक नंबर के वेले आदमी समझा हुआ है हमें। अरे यार कभी भी कहीं पे भी शर्मा जी के यहाँ गोटे लेने भेज देते हैं। Excuse me. कौन बे? One minute, एक मिनट। कुछ बात करने हैं तुम्हारे साथ, जरूरी काम है। Yes. कौन है आप? क्या काम है आपको? अब इनके हाथ में हॉकी है तो हॉकी ही खेलेंगे ना, मिर्ची तो नहीं कूटेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, हम बहुत व्यस्त हैं इस समय, हम ये गोटे लेके जा रहे हैं अपनी दुकान पर, हम क्यों खेलेंगे आपके साथ हॉकी भाई? ऑलराइट आपको नहीं खेलने हैं हॉकी, मत खेले, हम तो हॉकी खेलेंगे, हमको अच्छे लगते हैं, कम ऑन लेट्स प्ले बेबी। बहुत गलत जगह हाथ डाले हैं तुम, अगर तुमने सेठ जी की बेटी को तलाक नहीं दिए तो अगली बार हम हॉकी नहीं खेलेंगे बल्कि हम क्रिकेट खेलेंगे। ये सेठ जी की बेटी को जल्दी से तलाक दे दो, दे दो। चलो। भाई बहुत तबीयत से ठुआई की है तेरी, हाँ? कौन थे? तूने शक्ल देखी उनकी? तू बस पहचान लिए, बाकी सालों को मार मार के उनकी चटनी ना बना दे तो मेरा भी नाम पिंटू ना है। अबे यार साले मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है यार, सेठ जी ने गुंडे भेजे यार हमें पेटने के लिए। हाँ? उन्होंने ही भेजे थे। क्या बात कर रहा है, सेठ जी ने गुंडे? तुझे कैसे पता? अबे उन्होंने ही भेजे, साफ साफ खुली धमकी देकर गए, इलायची जी से तलाक ले हम, समझ रहा है? सॉरी जीजा जी छत पर है? जी लाइची जी, जीजा जी छत पर है और बहुत ही जल्दी मिट्टी में गड़े हुए मिलेंगे, हम बता रहे हैं आपको। जीजा जी सॉरी, मुझे नहीं पता था पापा इस हद तक चले जाएंगे। आप ही का बाप है लाइची जी। सॉरी हमारे कहने का मतलब ये था कि लाइची जी देखिए ना, वो आपके पापा है, वो हद पार कर सकते हैं। नहीं आप सॉरी मत बोलिए, देखिए मैं आज आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत गुस्सा हैं और दर्द में भी। इलायची जी हमारा कोई गुस्सा नहीं है, ये आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है, हमारी जो हड्डियां हैं वो रो रही हैं, तड़प रही हैं। और इलायची जी आप क्या बोल रही थी, बड़ी बड़ी बातें फेंक रही थी ना कि आपके पापा ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये क्या है, ये तो मजे ले रही है लिया हमारे, आप तो कह रही थी कि ऐसा नहीं कर सकते वो। जीजा जी मैं पापा की तरफ से माफी मांगती हूँ, पता नहीं पापा को क्या हो गया है। देखिए लाइसी जी अब हमारे पास ना सिर्फ दो रास्ते बचे, एक रास्ता जो हमें ऊपर भगवान के पास लेके जाता है और दूसरा रास्ता सेठ जी के पैरों के पास, हम सोच रहे हैं कि हम सेठ जी के पैरों पे गिर जाएं और हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा मत करिए जीजा जी, देखिए बहुत मुश्किल के साथ हम पापा का आशीर्वाद ले पाए शादी के लिए, आज नहीं तो कल पक्का वो आपको स्वीकार कर लेंगे, आई प्रॉमिस। हमें स्वीकार कर लें? इलायची जी एक ही दिन में ना उनका दामाद वाला प्यार देख लिया हमने, इसके बाद हमें ममता देखने का कोई शौक नहीं बचा है, अब प्लीज हम हमसे ये नाटक नहीं हो पाएगा, प्लीज हमें निकाल दीजिए, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम,
नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे जीजा जी देखिए माना कि आपको चोट लगी है लेकिन आपको पता है चोट आपको लगती है दर्द मुझे होता है और मैं ये दर्द और भी सहने के लिए तैयार हूँ क्या इनके कहने का मतलब है कि भविष्य में भी इस तरह की सेवाएं तुझे मिलती रहेंगी पतली हड्डी टूटे पसली टूटे सिर फूटे लेकिन पीछे मत हटियो आपको आग लगाने की जरूरत नहीं है जीजा जी मैं हूं ना मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा मैं कोई आइडिया निकालती हूँ रुक जाओ लाइसी जी हम आपको कह रहे हैं कोई आइडिया मत निकालिए आप बस करिए आप आइडिया की मशीन है क्या नहीं चाहिए हमें आइडिया बस करिए नहीं नो आइडिया मुंह से कुछ फूटेगा या ना साफ साफ पूछ रहे हो तुझसे इलायची को तलाक दे रहा है या ना दे रहा है देखिए सेठ जी हम आपको ये बात पहले भी कह चुके हैं पूरी रीति रिवाजों के साथ हमारी इलायची जी से शादी हुई है और अब वो हमारी बीवी है और बुबू भी हमें छोड़ के चले गई है ओए बुबू की फिक्र मत कर मेरे कहने का मतलब है कि पिंटू जी की परवाह मत कर मैं अपना लूंगा टेंशन नहीं है तेरा छटंगे भैया क्या कह रहे हो मेरे तो भाग ही फूट गए अंकल सेठ जी पंचम सन इतने विश्वास के साथ जो है तुझे अपनी लड़की दी थी मैंने अब तू लौट आएगा या ना ये बता पहले सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप आपकी दुकान पे पड़ा हुआ कोई लहंगा थोड़ा है जो आपको लौटा देंगे सेठ जी हमारी हमारी बीवी है वो अब है हमारी बीवी अब है तो है सेठ जी कहाँ है सेठ जी यहाँ सेठ जी सेठ जी पिंकी जी आपकी चिंता का निवारण लेके आ गए पिंकी जी बोल रहे हैं दरोगा जी इस टेंटन को फौरन गिरफ्तार कर लो अरे सेठ जी उसकी जरूरत ही ना होगी पिंकी जी ऐसी खबर लेके आए जिसको सुन के इस टंटन मतलब इस पंचम के तोते उड़ जाएंगे क्या हुआ बाबा ना ना अपना इलायची हुआ कुछ ना है बस तुम ना कनाडा जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर दो क्या अरे दरोगा जी बताइए खबर क्या है अरे सेठ जी कहा ना पिंकी जी ने ऐसी खबर है कि सुनेंगे ना तो उसके बाद इलायची और पंचम के बीच जो ये घपला हो रखा ना उसका पूरा पर्दा फाश हो जाएगा उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी आप लोगों को पता है वो जो पंडित हो रखा था ना जिसने इन दोनों की शादी कराई थी दरअसल वो पंडित है ही नहीं पंडित ना होने का क्या मतलब अरे उसने तो बहुत अच्छे से शादी कराई थी दोनों की खा गए ना भाभी जी आप भी धोखा अरे एक नंबर का ठग हो रखा है वो चोर है चोर कोई इसी तरह भेद बदल के जाता है शादी कराने के बहाने वहां शादी के बाद चोरी करके निकल लेता है पता है वो इस वक्त पिंकी जी की गिरफ्त में है पिंकी जी ने जब सारा माल उससे निकलवाया ना चोरी का तो उसने आप लोगों का जिक्र भी किया हाँ वो ये भी कह रहा था कि बड़े अजीब लोग रहते हैं इस घर में मतलब चोरी तो छोड़ो वो जो उल्टे सीधे मंत्र पढ़ के उसने इन दोनों की शादी कराई थी ना उसकी दक्षिणा भी ना मिली उसे अभी तक मतलब सेठ जी पिंकी जी क्या बोल रही थे कि अगर वो पंडित नकली हो रखा है तो मतलब उसकी कराई हुई शादी भी नकली हो गई और इस तरह की जो शादी है ना वो कानून की नजर में सिर्फ एक मोतिया बिंद है बस अब बता टंटन सेठ जी पंचम तू ऐसे ही जाएगा या तुझे धक्के मार के यहां से निकालूं बता सेठ जी
हमारे प्यारे सेठ जी, हमारी एक बारी बात तो मुझे तेरी कोई बात ना सुननी, सारी असलियत तेरी सामने आ गई है प्यारे सेठ जी। अरे मैं कह रहा हूँ तू एक मिनट यहाँ निकल, यहाँ से चल निकल। पापा एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देख इलायची, तू इसके बीच में मत बोल, मैं कह रहा हूँ मत बोल इसके बीच में, ये तेरा कोई पति पति ना है। जानती हूँ कि मेरे पति नहीं है। क्योंकि शादी की रात को ही इन्होंने मुझे तलाक के कागज पे साइन करके दे दिए थे। अगर इसने उसी रात पेपर में साइन कर दिए थे तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहा है? मेरे कहने पर, ताकि आपकी आंखें खुल सके। पापा ये क्या बात हुई? मतलब गुरुजी ने आपसे बोला दो दो शादियां करो तो आपने करा दी, मतलब मान गए? और ये पिछली बार कुत्ते से शादी करा दी थी, इस बार गरीब के साथ, मतलब क्या तमाशा चल रहा है? शादी नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा मजाक है? बस पापा मुझे यही बात अच्छी नहीं लगी आपकी। अरे शादी ना दिलों का रिश्ता है, अंधविश्वास से नहीं जोड़ा जाता है रिश्ता। बस इसलिए मैंने जीजाजी को बहुत कन्विंस किया, रिक्वेस्ट की कि आपकी आंखें खोलने में मेरी मदद करें। और मैं सच बताऊं, मैं बड़ा हर्ट हूं सच्ची। धन्यवाद। इसका मतलब ये टंटन बेकसूर है? जी बिल्कुल। और मेरे लिए ना बेचारों को कितनी मार खानी पड़ी है, पर इसके बदले में इतने वफादार आदमी को आप घर से और इस दुकान से बाहर निकाल रहे हैं। वेरी बैड, वेरी बैड पापा। सुट्टा नाटन सेठ जी पंचम, तूने मेरी आंखें खोल दी आज। अरे हम पता ना क्यों दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे टनाटन। अब सेठ जी प्लीज, ये हमारा फर्ज था। पंचम ने इस घर की इज्जत बचाई, इसमें तो भाग ही खुल गए। मतलब पिंटू जी अब भी शादीशुदा है? सेठ जी, सेठ जी। अरे व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये मामला सुलट गया, गुलर खा गए? हाँ हाँ खसोटे, सारा मामला सुलट चुका है। बस अब तो ना मतलब इंतजार हो रखा है इलायची के फैसले का। हाँ तो मतलब इलायची क्या डिसाइड किया, कनाडा चलना है या फिर ग्रेटर कैलाश? हाँ कहीं भी नहीं, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ यही चांदनी चौक में रहना चाहती हूँ। इसलिए उनसे बोल दीजिए अगर वो वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मेरा मूड नहीं है शादी करने का। अरे जाओ भैया, तुम लोग तब जाओ, अभी मेरी बच्ची का मूड ना है बस। अरे यार बचपन से कनाडा में रह रहा हूँ, गूलर खा गए। हेलो दादा भैया, जाओ खा लेते गूलर। तुम्हारा खमेश नारा अभी तक आया नहीं, टिंगू आता ही होगा। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर पिंकी, हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुमने मुझे चलती हुई मीटिंग से बुलाया? तुम्हें मालूम है ना कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ए, पिंकी जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त कुछ ना हो सकता। आप भी नहीं, कमिश्नर के बच्चे पिंकी जी बोल रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल सकता हूँ। ये क्या नौकरी से निकाल सकते हैं आप? पिंकी जी खुद ऐसी जेलू नौकरी से तंग आए हुए परेशान हो चुके हैं,
आपको पिंकी जी का दर्द के बारे में कुछ आइडिया है? आपने पिंकी जी की एकदम कदर ना की। और ये देखिए, ये मिस्टर रॉबर्ट है, कनाडा से आए, पिंकी जी के कदरदार, पिंकी जी को मतलब मानते हैं ये। पिंकी जी भी अब इनके साथ कनाडा चले जाएंगे और वहां जाके इनके रेस्टोरेंट में पार्टनर बनेंगे, है ना? यस यस यस, मिस्टर फ्रेंकी फोंकी हमारे साथ कनाडा जाता। इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी। ये तो ऑन ड्यूटी अपने सीनियर के साथ बदतमीजी की और अपनी अच्छी खासी नौकरी में लात भी मार दी। पिंकी जी परवाह नहीं करते, सब चीज की समझ में आया ना? पर याद रखना क्या है पुष्पा, पिंकी जी के वो इस्तीफा देने वाला लेटर तैयार करो। सर, मैंने कब से रेडी कर दिया, आप बस ना सिग्नेचर कर दीजिए। लाओ साइन करे। यस। अपना इधर सर 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 सर, पिंकी जी से बहुत बड़ी भूल हो गई सर, जो इस बेवकूफ के चक्कर में पिंकी जी बेवकूफ बन गए सर। पिंकी जी को एक वो कर देते थे सर, पिंकी जी अपनी सारी गलतियां सुधार लेंगे सर, प्लीज एक वो कर देते थे सर, बचपन से कनाडा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सर।